हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल सक्सेस मंत्र में। इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एनसीईआरटी की क्लास 5th के ईवीएस के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी ने पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम आने ही वाला है, और अगर अभी तक भी अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है तो आप बहुत जल्दी ही इन सीटेट की कुछ बुक्स को इनका निचोड़ पढ़ करके आप सीटेट की प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो पेपर होता है वो इधर उधर से ना आकर के सीटेट की बुक से ही आता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं और आपका स्टडी भी हो जाएगी ईवीएस की। इस बुक को आप देख पा रहे होंगे कि ये क्लास 5th की ईवीएस है, और इस बुक में ईवीएस जो एनसीईआरटी है उसका हिंदी में पूरा बताया गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट लेशन में इसके जो लेशन है वो कौन कौन से लेशन है, कितने लेशन है यहाँ पर, मैं आपको आपके प्रूफ के लिए भी बता दे रही हूँ कि देखिए, ये जो ईवीएस है ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की ही बुक है। ये देखिए, ये इसके चैप्टर दिए हुए हैं, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, कहानी सपेरों की, चखने और पचने तक। इस तरह की आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपके, ये इसमें चैप्टर दिए हुए हैं। तो हम लोग चैप्टर फर्स्ट से जितने चैप्टर कवर हो सकते हैं मैं इसमें कवर करूंगी। इसके साथ ही अगला वीडियो जल्द तुरंत ही आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो, क्योंकि सीटेट की बुक्स पढ़ने से आपके जो आंसरिंग है उसकी कैपेसिटी और एक जो विश्वसनीयता होगी वो बढ़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि पहला जो चैप्टर है वो क्या है। देखिए, ये क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट है, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो इसको फटाफट से पढ़ते हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खास है इसमें ये देखते हैं कि चींटियाँ जो होती हैं वो अपने पीछे एक ही रो पर चलती हैं, एक ही लाइन पर चलती हैं। तो खाते समय तुम कुछ ऐसा ज़मीन पर मीठा जब छोड़ देते हो, मीठा गिरा देते हो, तो वहीं चींटियों का झुंड जो होता है वो लगा हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चींटियाँ होती हैं, आपने देखा होगा, हमेशा एक ही रो से, एक ही लाइन पर सभी चलती होती हैं। तो देखिए, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, वो जो पॉइंट है वो है, जानवरों में भी कुछ देखने, सुनने और सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की सी आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है, तो कोई जानवर इस दुनिया में अपने साथियों को ढूंढ लेता है। तो कैसे पहचाना साथी को? देखिए, एक चींटी अपने रास्ते में चली जा रही थी, अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। सोचो और बताओ, अब आपको सोचना है और बताना है, उस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की हैं? पहरेदार चींटी ने उस चींटी को कैसे पहचाना? देखिए, करके देखो और लिखो। तो चींटी के कुछ जो दाने, गुड़ और कोई मीठी चीज जमीन पर रखो, अब इंतजार करो। ये तो बच्चों के लिए हो जाएगा, तो ये कैसे करते हैं? लेकिन मेन जो आता है वो इस प्रकार से आता है कि चींटियाँ किस तरह से एक दूसरे की, एक ही कतार में चलती हैं, और चींटी कैसे पहचान लेती हैं कि ये हमारे ही झुंड की चींटी होती है। तो बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं। देखिए, मेन पॉइंट ये है कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ये चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं जो पेपर आता है, तो उसमें हमें पहचानना होता है कि सही आंसर क्या है। तो चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे की चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसके बाद देखिए, अब क्या अब बता सकते हो कि तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका? अब उसको ऐसा व्यवहार का क्या कारण था? तो ये तो उन्होंने दिया हुआ है। अब इसके बाद अगला देखिए, कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा की गंध से उनकी पहचान कर लेते हैं। अब जो पॉइंट एक बनता है वो यहाँ से बनता है कि कुछ नर कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो अपनी मादा की पहचान कैसे करते हैं? तो अपनी मादा की गंध से वो पहचान कर लेते हैं। पूरी एनसीईआरटी की बुक से इसे आप पढ़ लीजिए तो सीटेट आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, मच्छर जो होते हैं वो तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तरुओं की ओर, तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। ये सिर्फ मैं आपको मेन मेन पॉइंट बता रही हूँ,
जिससे आप लोग बुक्स भी पढ़ लेंगे और मेन पॉइंट भी आप लोगों को याद हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, अब जैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये क्वेश्चन, अरे मच्छर तुम्हें कैसे ढूंढ लेते हैं? तो मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खास कर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। अगला देखिए, ये एक रेशम का कीड़ा होता है, ये जो है ये एक रेशम का कीड़ा होता है और ये कह रहा होता है कि मैं एक रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। तो ये रेशम का कीड़ा कह रहा है कि मैं अपनी, इसमें बताने का मेन तात्पर्य ये है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कैसे पहचान लेता है। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उनकी गंध से पहचान लेता है। अब आपने देखा होगा कि जब एक ही टोली के कुत्ते होते हैं, कोई दूसरा कुत्ता आपके एरिया में आ जाता है तो वो उसको भौंकने लगते हैं। तो क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? हमेशा देखा होगा, कई बार देखा होगा। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी एक जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर से कोई कुत्ता आया था कि नहीं। अब इसका जो मेन पॉइंट बनता है वो ये है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर कोई कुत्ता आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये आपका जो चैप्टर फर्स्ट था ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है चैप्टर। अब इनकी गंध अच्छी लगती है, इनकी गंध नहीं अच्छी लगती है, ये कुछ ये है कि किसकी महक आपको अच्छी लगती है, कुछ चीजों की बात लिखना है। तो ये वर्क लिखा हुआ है, ये ऐसी पांच चीजें लिखना है जिसकी गंध अच्छी लगती है, ऐसी पांच चीजें जिनकी गंध अच्छी नहीं लगती है। अब देखिए, क्या तुम अपने घर के लोगों के कपड़े सुनकर बता सकते हो कपड़े किसके हैं? तो कई बार अपना देखा होगा कि देखिए हर व्यक्ति की अपनी पर्टिकुलर एक महक होती है, आप लोग खुद महसूस कीजिएगा। फिर देखिए, ऐसा क्यों आज रंजन को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा? अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मजे की बात है, ये हुई है कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी लैट्रिन कर दी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वह दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को धूप से ढक लिया। तो ये सब गंध होता है इसमें, अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, शिक्षक संकेत थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शिक्षक संकेत में क्या है कि सुशीला के उदाहरण से आम परिवारों में होने वाली एक स्थिति को दर्शाया गया है। चर्चा करके बताओ कि यह समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी की गंध से जब ज्यादा परेशान होते हैं, जब हमारा मन उसको गंदा मानता है, अगर हम मन बना लें तो वही गंध उतना परेशान नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि गंध हमें तभी परेशान करती है जब हम अपने मन में उस गंध के प्रति घृणा पैदा कर लेते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे यहाँ के भी कुछ पॉइंट हैं। कुछ ऐसे पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों के आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? तो इसको फटाफट पढ़ लीजिए। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि कुछ ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर की दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर पड़ती है। आप चाहे तो इन्हें नोट्स बना करके नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि यही आते हैं क्वेश्चन। तो एक बार फिर से पढ़िए कि जब ज्यादा जो ज्यादातर पक्षी होते हैं उनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी आंखें एक ही चीज पर होती हैं। तुमने देखा होगा कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं, जानते हो ऐसा क्यों? ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। अब अगला देखिए, इसमें बताया गया है, प्रैक्टिकल करने के लिए बताया गया है, तुम भी अलग अलग तरीकों से देखो किस तरह से देख सकते हो। शिक्षक संकेत, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो चीजें चीज की जो दूरी का एहसास होता है, जब वो एक जो पक्षी होते हैं जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। पक्षियों की सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझ में आसानी से आ जाएगी। एक
आंख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराएं कि दोनों आंखों से देखने पर उनके डायरी में क्या अंतर पड़ता है। तो सबसे देखिए मेन इसका जो मैं पॉइंट निकाल रही हूँ वो ये है कि जब पक्षी दोनों आंखों में एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें उनकी जो चीज की दूरी का एहसास होता है, मतलब चीज की दूरी का एहसास होता है, ये ध्यान दीजिएगा, मेन चीज की दूरी का एहसास होता है। अब एक और यहाँ से देख लीजिए, चील, बाज और गिद्ध जैसे जो पक्षी होते हैं वो हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर देख सकते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं तो हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई दे पड़ती है वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, अब ये थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं एक एक लाइन बाय लाइन इसलिए चल रही हूँ कि काफी फ्रेंड्स को हमारे एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं हो पाती है तो वो यहाँ से देख पाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर और भी एक पॉइंट है, जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने सारे जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। देखिए आमतौर पर यह माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद या काली ही देखते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉइंट देख लीजिए कि जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर जैसे उल्लू, रात में जागने वाले क्या होते हैं वो हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। इस पॉइंट को आप रख लीजिए कि जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काला ही देखते हैं। इसको याद रखिएगा कि सफेद और काला ही देखते हैं। फिर देखिए, तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद होते हैं जैसे उनके पंखों से ढके होते हैं। अब 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं, जैसे हाथी हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। ओके, जब ये सब यहाँ पर दिया हुआ है ये करके देखना है, ये बच्चों के लिए दिया हुआ है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है कि सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन सकता है। अब ये क्वेश्चन है कि जमीन पर जो कंपन होता है उसी को सांप सुन सकता है, उसके बाहरी कान नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, जो अगला पॉइंट निकल के आ रहा है, आवाजें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। फिर देखिए, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर रहने वाले पक्षियों के लिए दूसरी तरह आवाज। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। देखिए जो मछलियां होती हैं वो खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। अब यहाँ पर पूरा देखिए, कुछ जानवर तूफान और भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों को इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है और अनहोनी होने से बच जाती है। जैसे आपने देखा होगा जो 2004 में दिसंबर में एक सुनामी आई थी, तो सुनामी में कुछ खास पहले जानवरों की अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। अब यहाँ ये बच्चों के लिए दिया हुआ है, क्या तुम अपने जानवरों की आवाजों को समझ सकते हो, किस किस की समझ सकते हो। अब एक मजेदार खेल है, देखिए आओ खेलें एक मजेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग अलग बात के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं उसी तरह
तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाजों की भाषा बना लो। ध्यान रहे बोलना नहीं है, केवल आवाजें निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे, जैसे कक्षा में टीचर के आने पर कितना सोए। बहुत सारे जानवर खासकर किसी भी मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबी इतनी गहरी नींद होती है उनकी कई महीनों तक फिर वो दिखाई नहीं देते। अब देखिए इसका है, जैसे सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं। जो छिपकली होती है वो सर्दियों के समय में गायब हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो टीचर संकेत दिया हुआ है, टीचर संकेत को भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि जिनमें ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे। पाठ में कुछ जानवरों के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें कुछ संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है। इस पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अन्य और जानवरों के ऐसे ही व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार पढ़ने, टीवी पढ़ने और उपयुक्त कार्यक्रम के लिए देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पेडागोजी के लिए उपयुक्त होगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का यूज करने के लिए कहना चाहिए। अब देखिए स्लॉथ क्या होता है। देखिए स्लॉथ क्या होते हैं, ये स्लॉथ जो होते हैं ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते। तो ये यहाँ पर एक निकालने वाला पॉइंट है कि स्लॉथ जो होते हैं ये भालू जैसे होते हैं पर ये भालू नहीं होते। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटककर मस्ती से सोते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा कि स्लॉथ जो होते हैं भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू होते नहीं हैं, और दिन में लगभग 17 घंटे ये पेड़ों से लटककर सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पे जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो देखिए ये लगभग 40 वर्ष के, मतलब इनका जीवन काल देखिए ये होता है 40 वर्ष का। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू होते नहीं हैं। ये लगभग करीब 17 घंटे पेड़ से लटक कर उल्टा लटक कर सोते हैं। ये 8 पेड़ों में घूमने की तकलीफ उठाते हैं। सप्ताह में केवल एक बार ही सोच के लिए जाते हैं। कि स्लॉथ का जगना, स्लॉथ जो होता है, स्लॉथ का जो जगता है वो 18 घंटे सोता है। इनकी जो प्रक्रिया होती है, स्लॉथ की जो प्रक्रिया होती है वो किस इस तरह की है कि अगर स्लॉथ की सोने और जगने की प्रक्रिया 24 घंटे की बड़ी दिखानी हो तो वह ऐसे दिखेगी। ये देखिए ये किस तरह से सोते हैं। ये 18 घंटे और 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में स्लॉथ 18 घंटे, 12 घंटे और 6 घंटे, तो इस तरह से उसको दर्शाया गया है कि स्लॉथ कितने घंटे सोते हैं और कितने घंटे जगते हैं। तो ये जो स्लॉथ होते हैं ये बाकी के बताए गए हैं कि कौन कितने घंटे सोता है, कितने घंटे जागता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जो बाघ होता है वो हमसे 6 गुना ज्यादा देख सकता है अंधेरे में। अब अगला देखिए, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। बाघ की जो मूछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। अगला देखिए, बाघ अपने इलाके में मल मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं और यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी होती है। अगला देखिए, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज, बाघिन को जब बुलाना होता है तो अलग आवाज निकालता है। अलग आवाज निकालने के बाद कभी कराहता है तो कभी गुर्राता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। देखिए जो बाघिन के लिए अलग आवाज निकालता है और जो बाघ का गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर तक के सुनाई दिया जा सकता है। इसके बाद देखिए, फिर देखिए, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों से हिलने में हुई आवाज को दोनों कान
जो होता है वो भाप लेता है। मतलब बाघ ये समझ जाता है कि ये जो पत्तों की आवाज है ये हवा की है या कोई शिकारी आया है, तो इसको वो पहचान लेता है। इसके बाद देखना है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के, उसको सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ बहुत सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद आज भी बाघ खतरे में है। अब देखिए, क्या तुम जानते हो, क्या जानते हो, इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या जानते हो। क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों, गैंडों को सींग, और शेर और मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। जो हाथी होता है उसको दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। अब देखिए, हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवर हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की इतनी इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार बना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगला देखिए, जो अगला पॉइंट है, क्या तुम समझे, ध्यान दिया कि बहुत से गायक गायिकाएं गाते हैं, अपने कान पर हाथ रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? कुछ उदाहरण देकर समझाओ, जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों की देखने, सुनने, सुनने की, महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। अब देखिए, यहाँ शिक्षक संकेत है, तो शिक्षक संकेत भी पढ़ लेते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो आगे चलते हैं। आगे कुछ और दिया हुआ है, ये जो है आओ बनाए कागज, ये जो NCEF 2005 है, ये बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए ज्यादा महत्व देता है। तो फ्रेंड्स, ये जो था, ये NCERT EVS का 5th का क्लास जो है वो 1st चैप्टर था, ये यहीं कंप्लीट हुआ। ऐसे 4 से 5 पॉइंट निकल के आए होंगे। मैंने इसको पूरा स्टडी इसलिए करवाया है आप लोगों को, ताकि आप लोग बुक्स पढ़ लें, और बुक्स से जब आप पढ़ेंगे तो प्रिपरेशन कुछ बेहतर होगी। फ्रेंड्स, अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, एंड ऑल द बेस्ट।